तो यहाँ तो अभी होगा जियो का रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में, और उसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरे के पूरे 30 दिन तक। जहाँ दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है जियो रिचार्ज अभी बहुत ज्यादा अभी आपको पता है महंगा हो चुका है। कुछ दिनों से आपको पता ही है सारे के सारे प्लान सबसे पहले एयरटेल महंगा हुआ, उसके बाद सभी ने यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए थे। जैसे कि अभी जियो का रिचार्ज भी काफी सारे यहाँ पे 20 से 25 रुपए हर प्लान पे जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ये देखते हुए जियो ने यहाँ पे एक जबरदस्त यहाँ पे प्लान लॉन्च करा है जो कि सिर्फ 1 रुपए का होने वाला है। उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, कैसे क्या प्लान है, सभी कुछ मैं समझाने वाला हूँ। कैसे रिचार्ज करना है सभी कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहो। उससे पहले रिक्वेस्ट बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार जियो का जो यहाँ पे प्लान नया प्लान लॉन्च करा है, जियो ने सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का प्लान है जो कि भारत में पहली बार कोई ऐसा प्लान लॉन्च हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का है। लेकिन इस प्लान में आपको मिलने वाला क्या क्या है वो हम आपको बता दें। और सबसे पहले तो ये प्लान जो है एड ऑन प्लान है, मतलब जैसे कि हमने कोई पहले रिचार्ज कर रखा है और रिचार्ज करने के बाद जो हमारी डेली वाली डाटा जो हमें मिलता है अगर वो हमारा खत्म हो जाता है तो हम यहाँ पे अभी कितने रुपए का रिचार्ज करते थे, 10 रुपए का। लेकिन जैसे यहाँ पे पैसे बढ़े 10 रुपए का हम रिचार्ज कर लेते थे जिसमें हमें 1 GB मिल जाती थी। लेकिन अभी वो 10 वाला रिचार्ज भी जैसे ही पैसे बढ़े सभी प्लान पे तो वो भी 15 रुपए का हो चुका था। तो अभी यहाँ पे आप ये इस वाले प्लान से फायदा उठा सकते हो, मतलब आप अपना पुराने वाला 10 रुपए में ही 1 GB ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो 1 रुपए वाला प्लान है, इस 1 रुपए वाले प्लान में आपको 1 रुपए में जो प्लान है इसमें देख सकते हैं 1 रुपए में आपको 100 MB डाटा मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको इसकी वैलिडिटी 30 दिन तक होने वाली है। तो आप सीधी सीधी यहाँ पे सोच सकते हो कि आपको जो 1 रुपए वाला प्लान है बस इसे आपको बाय यहाँ पे जो है बाय करना है और आपको इसमें 100 MB मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे ये 1 रुपए वाले 10 रिचार्ज करते हैं तो हमारी 1000 MB हो जाती है, 10 रुपए में हमें 1 GB वही पड़ जाएगी। लेकिन आप अगर डायरेक्ट 1 GB का रिचार्ज करोगे तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 15 रुपए का आपका यहाँ पे जो है वो 15 रुपए में आपको जो है वो 1 GB दी जाएगी। लेकिन आप 1 रुपए का रिचार्ज करके भी यहाँ पे पूरा फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ 12 बजे के करीब या फिर यहाँ पे 10 बजे के करीब, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 12 बजे के बाद यहाँ पे जो है दोबारा से हमारा जो है डाटा आता है। तो अभी 11 बजे फिर आपके यहाँ पे जो है 10 बजे हमारा कभी कभी इंटरनेट जो है वो डाटा खत्म हो जाता है तो हमें जरूरत पड़ती है। तो अभी आप 1 रुपए वाला 100-200 MB की जो जरूरत है उसको यहाँ पे इस वाले प्लान को रिचार्ज करके ले सकते हो और फायदा उठा सकते हो। तो मुझे काफी बढ़िया लगा प्लान, ही आपको कैसा लगा वो बता देना। प्लस अभी बात करते हैं आपको रिचार्ज कैसे करना है। तो रिचार्ज करने के लिए इस प्लान को अगर आप कहीं और से रिचार्ज करोगे तो शायद नहीं होगा। मैंने अमेजोन से पेटीएम की जगह से मैंने ट्राई करा तो मेरे नहीं हुआ, लेकिन मैं जब इसे माई जियो से कराया जाके तो हो गया। माई जियो में जाना है सबसे पहले, माई जियो में जाने के बाद आपको जो है सीधा सीधा रिचार्ज करना है। तो माई जियो में जाओ, रिचार्ज वाले ऑप्शन पे बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो रिचार्ज पे जैसे क्लिक करोगे तो सारे प्लान आ जाएंगे। ऊपर में लिखा होगा कि आपको एड ऑन प्लान या फिर यहाँ पे जो सारे प्लान आ रहे होंगे, कौन कौन से जितने भी प्लान होते हैं वो सारे आ रहे होंगे। तो आपको सबसे लास्ट में आएगा तो आपको यहाँ पे वैल्यू वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वैल्यू पे आपको क्लिक करना है। वैल्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो काफी सारे प्लान आएंगे, तो नीचे का होगा तो अदर एक प्लान देखने को मिलेगा। तो बस अदर प्लान पे क्लिक करके आपको ये वाला यहाँ पे प्लान 1 रुपए वाला देखने को मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप देखते हैं 1 रुपए वाला प्लान मिल गया, दिखाया भी जा रहा है कि आपको 100 MB मिलेगी 1 रुपए के रिचार्ज पे, प्लस आपको 30 दिन की इसकी वैलिडिटी मिलेगी। बस आपको बाय पे क्लिक करना है अगर आपके यहाँ पे वॉलेट में क्या है, अगर आपके माई जियो में पैसे हैं टॉक टाइम तो आप अपने डायरेक्ट टॉक टाइम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देखो यहाँ पे बाय पे क्लिक करा और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आया कि आप यहाँ पे माई जियो से भी पेमेंट कर सकते हो, जो आपके पास टॉक टाइम पड़ा हो उससे भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट फोन पे गूगल पे किसी से भी यहाँ पे 1 रुपए का पेमेंट करके 100 MB वाला डाटा रिचार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे रिचार्ज होगा, रिचार्ज मेरा कंप्लीट हो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आप देख लो मैं लेके चलता हूँ कहाँ पे अपने यहाँ पे प्लान्स पे। तो मैं जैसे अपने माई प्लान्स पे गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 2 प्लान्स पहले हो रखे हैं, प्लस नीचे को आओगे तो ये मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। तो अगर आपको ज़रूरत है तो एक्टिवेट कर लो, अगर ज़रूरत नहीं है तो एक्टिवेट मत करो। तो यहाँ पे ये भी मुझे काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा कि अगर आपको ज़रूरत है तो एक्टिवेट कर लो, जरूरी नहीं है। मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई प्लान रिचार्ज करा रखा है तभी चलेगा, वैसे भी आप इसे डायरेक्ट भी रिचार्ज कर सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे एक्टिवेट का बटन दिया गया है। तो मुझे काफी बढ़िया लगा है जियो का रिचार्ज प्लान, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में कर सकते हो और काफी बढ़िया है। जब भी हमें डाटा की जरूरत होगी कम डाटा की तो हम 1 रुपए वाला करके यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। बाकी जो जो डेली लोग यहाँ पे 1 GB का करते हैं वो आप यहाँ पे कितने भी बार 1 रुपए का रिचार्ज कर सकते हो, 36 बार, 50 बार, 100 बार, जितना आपको करना है। तो बहुत बढ़िया प्लान रहेगा, आप सभी जाके इससे फायदा उठा सकते हो यहाँ पे। तो बस यही थी आज की वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मैं ऐसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।